आज आप सभी का होगा नॉलेज टेस्ट। यस, यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट योर नॉलेज, तो हम लोग करेंगे टेस्ट आपका नॉलेज किसके लिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज। अभी हमने क्या किया, इलस्ट्रेशन 12 तक अपने कंप्लीट कर ली, एक इलस्ट्रेशन 13 बाकी है, बट उसके पहले हम लोग करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट, दैट विल बी टेस्ट योर नॉलेज। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं एंड वी विल डू 1 बाय 1। इसमें कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे जो हमने इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसका एक रिपीटेशन एक दो भी हो सकता है, और फिर हम लोग उसको जो किया हुआ उसको रिपीट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एक इलस्ट्रेशन करना है हमें तो पूरा ए इंडियस का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, इट्स योर नॉलेज गोइंग टू बी टेस्टेड। आर यू अवेयर, टेस्ट योर नॉलेज। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एंटिटी मैन्युफैक्चर्स पैसेंजर व्हीकल। ओके, कोई बात नहीं। द टाइम बिटवीन परचेसिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द पैसेंजर व्हीकल एंड द डेट ऑफ एंटिटी कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड डिलीवर्स द कस्टमर्स इज 11 मंथ। माल को खरीदना और डिलीवरी देना 11 महीना टोटल लग जाता है। कस्टमर क्या करता है, उसके सेटल करता है ड्यूज को, मतलब आपने रॉ मटेरियल लिया, बनाया, एक फिनिश गुड्स तैयार हो गया और उसको डिलीवर करते अपने कस्टमर के, और कस्टमर ने 8 महीने बाद नॉर्मली पेमेंट कर देता। तो एक क्वेश्चन इसमें दो पूछ रहा है आपसे, पहला विल द इन्वेंट्री एंड द ट्रेड रिसीवेबल बी करंट इन नेचर। सवाल ये रिपीटेटिव है, क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। क्वेश्चन ये बोला है क्या ये आपका जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या करंट होगा, करंट नेचर में होगा या नॉन करंट होगा। तो पहली बात इसमें देखिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एनओसी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अभी क्या बोलता है कि अगर आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर कोई भी काम पूरा हो जाता है, जैसे कि ये इन्वेंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही काम करते हैं तो दैट विल कम इन करंट एसेट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन था, पहले ही आ गया था। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन टाइम वाज 15 महीने, ये अज्यूम कर लिया जाएगा जो प्रोडक्शन टाइम है वो 15 महीना, एंड द टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर इज 13 मंथ, विल द डिफरेंट विल ऑलवेज आंसर विल डिफरेंट। बोला कि प्रोडक्शन टाइम मान लेते हैं 15 महीना है, एंड द टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम द डेटर इज 13 मंथ, मतलब 15 महीने में प्रोडक्शन होता है और 13 महीने में वो क्या होता है, कस्टमर से पैसा आता। तो इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का हमने बताया था डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ रियलाइजेशन तक। तो डेट ऑफ मतलब माल को बनाना, मतलब रॉ मटेरियल आपने खरीदा वहां से फिर बनाने तक, प्लस 13 मंथ आपका रियलाइजेशन, तो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये 28 मंथ का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आइए इसका आंसर वही होगा, देख लेते एक बार, आंसर भी दिया हुआ नीचे। देखिए, इन दिस केस टाइम लैग बिटवीन परचेज ऑफ इन्वेंटरी रियलाइजेशन इज, ये पहला होता है बोल इन्वेंटरी डेटर कैन, तो ये करंट में ही क्लासीफाई होगा जैसे हमने बोला। अब दूसरा बोला कि नो द आंसर विल बी द सेम, यहाँ पे भी आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 28 मंथ का हो जाएगा तो वो भी करंट ही माना जाएगा। तो विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये इसका मतलब ये नहीं कि 12 महीने से ज़्यादा है या कम है, तो दोनों को करंट ही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इन दिसंबर 2001 में क्या हो रहा है, मैं जब भी सेलेक्ट कर रहा हूं, या इस टाइम, ओके, इन दिसंबर 2001, अब हुआ क्या था ना, वो पीछे नीचे वाला स्लाइड सेलेक्ट था इसलिए बार बार नीचे कर दे रहा था। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान देते हैं। इन दिसंबर 2001 एक एंटिटी थी एंटर इनटू लोन एग्रीमेंट, जो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव है तो इसका आंसर देने को वही वाला, एक साल से 5 साल में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिपेमेंट नहीं कर पाता है, तो क्या वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एकदम सेम है तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है,
ऊपर एकदम डिटो सेम है, इसमें तो दो ही क्वेश्चन पूछा है, ऊपर में चार क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी का रिपीटेटिव वर्जन है। फिर आता है कंपनी हैज टेकन अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम कंपनी बी एंड द इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2001 दैट हैज बीन अ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन ऑफ द अरेंजमेंट। अब यहाँ पे ब्रीच हो जाता है, मतलब मटेरियल माइनर नहीं मेजर ब्रीच हो जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड, जिसके वजह से लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाता है ऑन 31 मार्च 2002। इन द मंथ ऑफ मे 2002 द कंपनी स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द कंपनी बी फॉर नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पी। मे में क्या बोलती है, कंपनी डिमांड करती है कि आप रिपेबल ऑन डिमांड मत करिए, आप जैसे जनरली पेमेंट लेते वैसे करिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर द इशू इन द मंथ ऑफ जून। मई 2002 में वो क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, जून में उनका अप्रूवल हो जाता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2002 बोथ कंपनी अग्रीड दैट द पेमेंट विल नॉट बी डिमांडेड इमीडिएटली, लेकिन अप्रूवल के बाद ये लोग अग्रीड होते हैं, मतलब कि अप्रूवल डेट खत्म हो गया, मेजर ब्रिज था, हमें तो अप्रूवल तक का ही देखना था ना, मेजर ब्रिज था, तो ये यहाँ पे क्या आप नॉन करंट में दिखाओगे या फिर करंट में दिखाओगे, यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक लाइबिलिटी है, ठीक है, उसका मेजर ब्रीच हो जाता है, मतलब मेजर टर्म्स ऑफ कंडीशन का ब्रीच हो जाता है, और उसका डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जून 2002। कंपनी मई से ही प्रयास कर रही थी कि अब मतलब ये मेजर ब्रीच के होने से क्या होगा ना, ये रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, मतलब वो करंट लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, तो मई 2002 से वो नेगोशिएशन स्टार्ट कर देती है, और ये नेगोशिएशन जाके जुलाई में फाइनल होता है, भाई साहब कि हम रिपेबल ऑन डिमांड नहीं रखेंगे, इमीडिएट नहीं रखेंगे, नॉर्मली जैसे आप पेमेंट करें तो वैसे करना। तो अब इस केस में क्या होगा, तो ये जून हम कहाँ देखेंगे, हम जून 2002 को देखेंगे, क्योंकि हमारी तो रिपोर्टिंग डेट यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मेजर ब्रीच है, तो क्या आप ये मेजर ब्रीच की वजह से करंट लायबिलिटी में डाल देंगे या फिर नॉन करंट लायबिलिटी में ही रहने देंगे, वो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आंसर। ओके अगेन इट इज हैपनिंग, ओके फिर से चलिए। एज पर पारा 74 ऑफ द इंडियस, ये वो पूरी मतलब पहले से जैसा लिखा हुआ फिर वही लिखा हुआ है। इन द गिवन केस, हमने 12 क्वेश्चन ऐसे किए, मतलब 12 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में ऐसा था। इन द गिवन केस कंपनी बी अग्रीड फॉर नॉट टू डिमांड पेमेंट बट ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव फॉर द इशुएंस, मतलब वो इशूड हो गया था उसके बाद, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव फॉर द इशुएंस इन द मंथ, मतलब 2002 में ही वो अप्रूव्ड हो गया था। बोथ कंपनीज अग्रीड फॉर नॉट टू रीपे, मतलब डिमांड पे रीपे नहीं करना है, वो अगले महीने में हुआ, जब अप्रूवल की डेट थी तब नहीं हुआ। ऑल दो नेगोशिएशन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे बट कुड नॉट अग्री बिफोर जून, ऑल दो आपने नेगोशिएशन स्टार्ट किया अच्छी बात, लेकिन वो अप्रूवल तक के डेट तक फाइनल नहीं हो पाया। हेंस द लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट, देखिए अब ये लाइबिलिटी क्लासिफाई हो जाएगी करंट, क्योंकि यहाँ पे मेजर ब्रीच है और ये अप्रूवल डेट तक इन्होंने उसको ठीक भी नहीं किया, तो ये कंडीशन पिट जाने की वजह से नॉन करेंट लाइबिलिटी को यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बना दिया जाएगा। ओनली व्हाट द अमाउंट इज रीपेबल, ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल दे दो, जैसे 1000 है, 1000 रीपे करना है, तो ये इंटरेस्ट इनका 10 करोड़ रुपया, सपोज करिए 1000 करोड़ है, 10 करोड़ रीपेबल ऑन 10 करोड़ यहाँ पे पेबल हो जाता है, लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर देते हैं तो रिपेबल ऑन डिमांड नहीं हुआ, तो मतलब वो बोला कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर दोगे तो रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ, ये 1000 करोड़ है, सपोज करें 10 करोड़ इसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया यहाँ पे, लेकिन आप रिपेबल ऑन डिमांड नहीं कर पा रहे, मतलब आप उसके कंडीशन को ब्रीच कर दिए, बोला कि आप जब चाहेंगे तब मांगेंगे, तो हम इसको 10 करोड़ को करेंट लायबिलिटी में डाल देंगे, ऑल्दो जो 990 रहेगा वो तो नॉन करंट में ही रहेगा, ऑल्दो उसको ध्यान मत दीजिए, बस कहने का मतलब ये है, इसमें पूछा नहीं बट मैं ये बता दिया कि ओवरऑल पूरा लोन नहीं होगा, जो अमाउंट रीपेबल ऑन डिमांड होगा उसी को करंट लायबिलिटी में डालेंगे, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन।
तो वो थर्ड हो गया, फोर्थ में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। एंटिटी ए हैज अंडरटेकन वेरियस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर। एंटिटी ए बहुत सारे ट्रांजेक्शन करती है और ये ईयर एंड है। हमें आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस वन। इंड एस वन के हिसाब से हमें इसको, इस ट्रांजेक्शन को हमें दिखाना है, मतलब अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ट्रांजेक्शन से जो बन पाए वो। री मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, करेंट सर्विस कॉस्ट, चेंज इन रिवेल्यूशन सरप्लस, गेन और लॉस arising from translating the monetary asset in the foreign currency, gain or loss ये भी arising from translating financial statement of a foreign operation, gain or loss from investment in equity instrument designated at fair value other comprehensive income through other comprehensive income, income tax expense share based payment cost। तो इसको देखते हैं कि इंडेक्स में, मतलब अपने financial statement में इस सारे details को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ, एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखते हैं। बहुत बुरा हो रहा है ये, मतलब बार बार ऊपर नीचे चला जाए, इसको फिक्स करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आइटम्स इंपैक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द, अब पीएल में क्या किया जाएगा, जैसे करंट सर्विस कॉस्ट क्या है, ये एक्सपेंस है तो इसको पीएल में डालेंगे, ठीक है। गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट इन द फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी का जो गेन और लॉस है तो बिजनेस से रिलेटेड है। तो देखो पीएल में क्या जाता है, पीएल में ये देखो ओसीआई है और वो पीएल है, ठीक है। तो पीएल में सारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस, और जो ओसीआई में जाता है वो नॉट इंटेंडेड इनकम रहता है। नॉट इंटेंडेड मतलब बिजनेस से हमारा इंटेंशन नहीं था, फिर भी वो हो गया, ठीक है, हमारा बिजनेस नहीं था। जैसे यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमारा बिजनेस नहीं है कि हम रिवैल्यू करके सरप्लस कमाएं। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट और इनकम और एक्सपेंस रहता है वो जाता है पीएल में और बाकी जाते हैं ओसीआई में। तो करंट सर्विस कॉस्ट, सपोज करिए मेरा सर्विस इंडस्ट्री में काम है तो सर्विस कॉस्ट हुआ जो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट्स इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में ट्रांसलेट करने में, मतलब कि आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का गेन और लॉस है तो उसको आप यहाँ पे डालेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपके एसेट के बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस ऑफकोर्स, शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट, शेयर बेस्ड आपने पेमेंट किया उसका कॉस्ट आया, तो ये आपके पेमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये सारे खर्चे रिलेटेड टू योर बिजनेस है। अब ये सारे खर्चे जैसे री मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, री मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, उसको री मेजर कर रहे हैं बेनिफिट प्लान्स जो जो हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई इतना मेरे को और प्रॉफिट हो रहा है उसमें। रिवैल्यूएशन की उसमें सरप्लस आया तो आपको लग रहा है इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये दो गेन और लॉस है, एक अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फॉरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरन ऑपरेशन, मतलब गेन और लॉस अराइज हो रहा है ट्रांसलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, उस फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट किया हमने तो हमें लग रहा है कि 65,000 अपने इंडियन करेंसी में उसमें फायदा हो रहा है। तो बट हमें ये तो मेरा बिजनेस का नहीं है ना, दिस इज अनरिलेटेड अनइंटेंडेड अदर देन बिजनेस, तो इसलिए इसको यहाँ पर डाला। गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एक इन्वेस्टमेंट हमने किया था इक्विटी इन्वेस्टमेंट और उसको जो फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे तो हमको थोड़ा सा इसमें 1,00,000 का गेन हुआ, तो मतलब इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मतलब वैल्यू की तो 1,00,000 रुपया, मतलब इन्वेस्टमेंट सपोज करिए आप इक्विटी में किए हो तो आपका इक्विटी शेयर मार्केट का दाम बढ़ गया, सो दैट इज दैट देयर यू आर बेनिफिशियल, सो वो 1,00,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो दीज ऑल इनकम्स आर नॉन रिलेटेड टू बिजनेस, आई रिपीट, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरेन ऑपरेशन से ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसलेट करना, रीमेजरमेंट, ये ऑल आर नॉन रिलेटेड, नॉन
बिजनेस रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंस, इट कैन बी एनीथिंग। सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे तो इनकम ही आएगा। और ये जो है, दिस इज प्योरली बिजनेस, दिस इज प्योरली बिजनेस। सर्विस कॉस्ट, इनकम टैक्स, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये मेरा पेमेंट है तो इसमें आ गया। सो दिस इज ओसीआई एंड पीएल, ठीक है। रीमेजरमेंट कहाँ जाएगा? ओसीआई में। करंट सर्विस कॉस्ट पीएल में। चेंजेस इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूड हो रहा है, ओसीआई में जाना चाहिए। मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी एसेट की बात हो रही है, ट्रांसलेटिंग द मॉनेटरी एसेट इन फॉरेन करेंसी, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, तो ये तो दैट इज नॉट योर बिजनेस, शुड गो इन ओसीआई। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी को रिवैल्यू कर रहे हो, रीमेजर कर रहे हो फेयर वैल्यू पे, तो दिस विल ऑल्सो गो इन ओसीआई। इनकम टैक्स और शेयर बेस्ड इनकम टैक्स एक्सपेंस प्योरली बिजनेस है। शेयर बेस्ड पेमेंट, आप पेमेंट करो किसी को, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। तो पीएल लास्ट दोनों जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट योर नॉलेज, जो कि हमने और आपने दोनों कर लिया नॉलेज टेस्ट। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस को करने के बाद एक क्वेश्चन डिफरेंट था, एंड दिस वन, दिस इज द पीएल में क्या जाएगा और ओसीआई में, मतलब कहाँ पे इसको हम लोकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बाकी तीन तो ऑलमोस्ट सेम थे। अब बात करते हैं आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 13, दैट दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन। या तो नीचे से ही मिल जाएगा आपको। अगेन इट हैपेंस, आई विल फिक्स इट इन द नेक्स्ट वीडियो आई बिलीव, है कि नहीं? होता है अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कि अपना लास्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर टिल इलस्ट्रेशन 12 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, और टेस्ट योर नॉलेज दैट इज आल्सो कंप्लीटेड, एंड देयर वी विल हैव व्हाट, वन क्वेश्चन लेफ्ट, वी विल हैव वन क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसको करते हैं। ए लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करके दी गई है, और इसे हमें रिस्ट्रक्चर करके अपने इंडेक्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ए लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट, व्हाट इट इज अ ड्राफ्ट बैलेंस शीट, मतलब मोटा मोटी इन्होंने बना के दिया है आपको। ओके, दिस इज द करंट ईयर एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर। ओके, पर्टिकुलर एसेट्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, शेयर प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर बाई ए लिमिटेड, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। सो ये जो फॉर्मेट आपको देख के क्या लग रहा है, एसेट में ऐसे हम लोग तो लिखते नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, शेयर होल्डर्स तो हमें नॉन करेंट एसेट में भी आएगा, फिर करंट एसेट आएगा, तो फॉर्मेटिंग पूरी तरीके से एकदम खत्म है। हमें अपने हिसाब से जो अभी क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमें बनाना है। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारे हो गए एसेट। फिर आता है टोटल, हो गया ये 12,850। अब बात आती है लॉन्ग टर्म, मतलब लोन्स की लॉन्ग टर्म डेट, 500 करोड़ ड्यू ऑन 1 जनवरी ईच ईयर। अभी बोला है लॉन्ग टर्म डेट है 3,300 का और 3,885 का, लेकिन जो 500 करोड़ हमेशा 1 जन को ईच ईयर ड्यू हो जाता है, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट अक्रूड लॉन्ग टर्म डेट पे कितना है, ड्यू इन लेस देन 12 मंथ्स, मतलब एक करंट लाइबिलिटी में जाएगा 260-290 बिकॉज इट इज लेस देन 12 मंथ। शेयर कैपिटल, या शेयर कैपिटल, ओके ये शोकी बनेगा, शोकी के स्टेटमेंट में जा सकता है। रिटेन्ड अर्निंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये भी शोकी का है, मतलब कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये भी है, तीनों बेसिकली इक्विटी के हैं, शोकी के। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अभी इसका फॉर्मेटिंग ऊपर हो गया तो उसी के साथ आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रोविजन भी दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं कुछ। वारंटी प्रोविजन फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल,
वारंटी प्रोविजन फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, सेल के बाद एक वारंटी प्रोविजन भी दिया गया कि भाई आप माल मेरा खरीद रहे हो उसके साथ 12 महीने की, ज़्यादातर मोबाइल कंपनियां भी देती हैं वन एंड हाफ मंथ का, आई एम सॉरी वन एंड हाफ ईयर दैट इज 1.5 ईयर्स। इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन प्रोविजन, इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन एक्सपेक्टेड इन 2006, मतलब इन्वायरमेंट का रिस्टोरेशन के लिए भी एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है। गवर्नमेंट का रूल रहता है कि आपको रिस्टोरेशन करना है, इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन मतलब अगर इस पे ऊपर बात किया जाए तो रिस्टोरेशन का पर्पज़ होता है, जैसे आप एक गवर्नमेंट का प्लेस यूज़ कर रहे हो वहाँ पे इकोनॉमिकल मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है, तो आपको 99 ईयर्स की लीज दे दी गई है और आपको बोला गया है कि आपको छोटी सी फैक्ट्री, जब यहाँ से आप जाओगे तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है उसको आपको रिस्टोर करना है, तो उसके लिए इन्होंने प्रोविज़न बना के रखा हुआ है पहले से। प्रोविज़न फॉर अक्रूड लीव, अक्रूड लीव जो है उसके लिए 35 और 25 मंथ का, अक्रूड लीव विद इन 12 मंथ मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, डिविडेंड पेएबल 150 और 230, ये डेटा है, बट ये अरेंज नहीं है, ड्राफ्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। हमसे मांगा है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट यूजिंग करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन इन अकॉर्डिंग विद द इंडियन एज्यूम्स, ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपको बोला है कि आप 12 महीने का मान लीजिए, अगर ये नहीं भी दिया रहता वी विल अज्यूम इट एज अ 12 मंथ्स, ठीक है, ये 12 मंथ्स बोला है मान लीजिए। ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है 12 मंथ्स, अगर इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, सो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना है तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो ये बेसिकली हमें करंट और नॉन करंट के क्लासिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अगर 12 महीने से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर हो गया तो करंट नहीं कहलाएगा और नॉन करंट में चला जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन समझ लिया हमने, क्वेश्चन में डेटा हमें दिया हुआ है और उसको हमें अरेंज करना है, अब देखते हैं आंसर क्या है। एसेट में देखते हैं नॉन करंट एसेट का क्लासिफिकेशन और करंट एसेट का, तो चलिए पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं खुद से कि क्या क्या है। एसेट में गए और ये करिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इट शुड बी करंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो हमें उस फॉर्मेट के हिसाब से करना होगा। हमारा फॉर्मेट देखिए, आई होप मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ था, पूरा डिटेल हमने डिस्कशन किया है इस फॉर्मेट के ऊपर, आपको याद हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले आएगा फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब इसका नोट है, नोट को समझना जरूरी है, नॉन करंट एसेट में पहला आया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमें नोट नंबर 5 समझना होगा। देखिए अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये इन्होंने एक समरी टाइप का बनाया हुआ, आप नोट दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट का कहना है। कैसे बना हुआ, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारा कॉस्ट है और लेस 1610 डेप्रिसिएशन है, सो अमाउंट क्या हो गया 3590 और 4, ये दोनों बेसिकली क्या है, यहाँ पे डेटा ज़्यादा दिया हुआ नहीं, अगर आप नोट्स बनाओगे नोट्स नंबर 5 अगर आप ऐसे लिख दिए पीपीई, फिर आपने लिखा फिक्स एसेट या पीपीई लिखा, उसमें आपने लिखा 5200 और इस साल का क्या है 4700, और फिर यहाँ पे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखोगे जो कि माइनस हो जाएगा 1610 और ये आ गया 1240। हमारे पास एक फॉर्मेट था ना ये वाला 7-8 लाइन का, जिसमें हम करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, एडिशन डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, फिर एडिशन डिलीशन मतलब ड्यूरिंग देयर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर बुक वैल्यू यहाँ पे लेते थे। वो फॉर्मेट अपने इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट हमें नोट्स में अगर सारा डेटा अवेलेबल रहे तो इसी तरीके से हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं तो इस तरीके से बन जाएगा या इस तरीके से। अब ये रहा, इसमें से इतना घटाएंगे कितना आएगा 3590 और इधर 4700 में से 1240 घटाएंगे तो आएगा 3460, ठीक है, तो यही यहाँ पे लाया गया। तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमें नॉन करंट एसेट में दिखानी पड़ती है, वो आप समझिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो सपोज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है,
सपोज करिए आपने एक घर ले लिया, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, बोले ये बाद में बेचेंगे आराम से, कोई एक ओकेजन पे बेचेंगे। सपोज करिए आपके घर में आप कोई होगा, जैसे आपके मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा दीदी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए क्या करते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं कि भाई ये हो गया, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। या फिर किसी बड़े भैया की शादी के लिए क्या किया जाता है, एक फ्लैट ले लिया जाता है कि भाई जब शादी होगी तो उनको फ्लैट दे दिया जाएगा। सो दैट इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो दैट इज़ ऑलवेज नॉन करेंट। ठीक है, तो नॉन करेंट में आ गया, दोनों डिस्कस कर लिया हमने। फिर टोटल नॉन करेंट आ गया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नोट है, फाइनेंशियल एसेट, फिर आ गया ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। तो इन तीनों का नोट है, इन्वेंट्री का नोट है 6, 7, 8, तीनों देखते हैं। इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट में मतलब वही आपका रिसीवेबल आ गया, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। आइए देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऐड इसमें किया गया, इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। वन 1500 क्या है कॉस्ट, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, इसमें ऐड किया गया इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। तो 1500 आपको तो पता ही है, 180 और 130, मतलब ये डेटा तो आपको पता है, 1500 और 1650, वो भी देख लेते एक बार। देखिए इन्वेंट्री एट कॉस्ट 1500 और 1650 है, लेकिन इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल, मतलब उसको जो फेयर वैल्यू करेंगे तो उसका 180 और 130 आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री के साथ वो ऐड हो जाएगा, कॉस्ट के साथ उसका फेयर वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो दोनों में ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली दो फेयर वैल्यू है, एक तो कॉस्ट है और एक इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे लेस कॉस्ट टू कंप्लीट सेल, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। फिर आता ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल, 2300 और 1800 लेस प्रोविजन, एक प्रोविजन दिया हुआ था यहाँ पे, उस प्रोविजन को आपको माइनस करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल, तो 265 माइनस हो जाएगा आपका जो भी ट्रेड रिसीवेबल है उससे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आपको ऊपर मिल जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल 2300 और 1800, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल, तो ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल, ये माइनस होके दोनों फिगर आ गए। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250 प्लस 70 और 170 प्लस 30, अब ये दोनों अलग अलग दिया हुआ था, अब इन दोनों को ऐड करके एक जगह दिखा दी, इसमें तो कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैश अलग है, कैश इक्विवेलेंट, तो इन दोनों को ऐड कर दी, तो ये आपका हो गया पूरा एसेट साइड, नॉन करंट और करंट एसेट, ये हमने बात कर लिया। नोट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी बात हो गई, इन्वेंट्री 1680, इन्वेंट्री दो था तो दोनों को ऐड कर दिया गया, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, अभी फाइनेंशियल, ये पूरा फॉर्मेट है आपको पता है, पूरा फॉर्मेट है, तो ट्रेड आपको करंट एसेट में इन्वेंट्री लिखेंगे, फाइनेंशियल एसेट लिखेंगे, फाइनेंशियल एसेट में ही ट्रेड रिसीवेबल आ गया, तो ट्रेड रिसीवेबल आ गया 2100, इसमें से हमने प्रोविजंस ऑलरेडी माइनस करके रखे, नेट का फिगर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करके कैश को और कैश इक्विवेलेंट को एक साथ ला दिया। फिर आता है आपका टोटल एसेट के बाद लायबिलिटीज का सेक्शन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल एज इट इज 1130 1050, कोई उसमें वो नहीं। अदर इक्विटी नोट 1 इसमें रेफर करिए, अदर इक्विटी में क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, जो कि ऊपर नीचे हो रहा है, दैट शुड नॉट बी। देखिए रिटेन्ड अर्निंग अदर इक्विटी में आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा ही, लेस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड लेस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द इक्विटी। तो इसमें क्या क्या ऐड और क्या लेस हुआ, मैं बाहर अगर लिख के दिखाऊं आपको, ठीक है, अदर इक्विटी का नोट ही बना देते ना हमको, जहां तक लग रहा वो बेटर रहेगा। जैसे आप शोकी बनाते हो तो उसमें पार्ट बी क्या होता है, अदर इक्विटी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये हो गया रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है,
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का एक शेयर प्रॉफिट है, और ड्यूरिंग द डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो रिटेन्ड अर्निंग जो भी होगा वो ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे आएगा, फिर लेस करेंगे डिविडेंड पेड, तो ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बस दो चीज़ें लिखेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमेशा यहाँ पे आएगा इसके पहले, तो ये यहाँ पे लिखते हैं और ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, डिविडेंड लेस हो जाएगा, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो इनकम है जो इस बिजनेस का नहीं है, नॉन कंट्रोलेबल है, तो वो उसको हटा के ट्रू फेयर, ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाया जाएगा। तो 1875 इज व्हाट योर रिटेन्ड अर्निंग, प्लस 1200 इज योर नेट प्रॉफिट, माइनस व्हाट वी हैव डिड इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एंड 90 इज योर डिविडेंड। द सेम केस इन द अदर, मतलब प्रीवियस ईयर के केस में भी सेम है। तो ये हो गया अदर इक्विटी। फिर आता है नॉन करेंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी, बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट जो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म डेट में आपका क्या क्या था, एक बोरोइंग था, मैं ऊपर दिखा देता हूँ पहले। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में एक लाइन लिखा होता है जो मैंने बोला था कि आप ध्यान से देखिएगा, ये 3300 में से 500 जो फर्स्ट जैन को हमेशा ड्यू हो जाता है, तो इस बार भी उसको घटा देंगे, तो टोटल 388500 लॉन्ग टर्म डेट लेस ड्यू ऑन फर्स्ट जैन ईच ईयर, तो इसको हटा दिया गया इसमें से, इसको हम लोग, ये लॉन्ग टर्म ड्यू नहीं है, एक साल के लिए ड्यू है, तो 500 दिस इज नॉट योर नॉन करेंट लायबिलिटी, दिस विल बी कम इन करेंट लायबिलिटी, नॉट इन नॉन करेंट लायबिलिटी, तो उसको हम लोग दूसरे जगह दिखाएंगे। कहने का मतलब है उसमें करेंट का जो मटेरियल था उसको हटा दिया गया। ठीक है, फिर आता है प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन, लंबे समय के लिए था जो हमने बात किया था, क्या आप फैक्ट्री छोड़ के चले जाओगे तो रिस्टोर करने का एक कंडीशन रहता है, तो उसके लिए। फिर टोटल नॉन करेंट आ गया, करेंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई ट्रेड पेबल नहीं है इसमें, है ट्रेड एंड अदर पेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल देखते हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल, ट्रेड पेबल एड अक्रूड इंटरेस्ट। अब ट्रेड पेबल और अदर पेबल में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल जो आपको MSME का रहता है वो डिस्क्लोजर देना पड़ता है, यहाँ पे उसने वो डिस्क्लोजर नहीं दिया है, आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जो कि अभी नया अमेंडमेंट आया है, इन्होंने वो कवर नहीं किया है। मैं बताता हूँ कैसे होगा। ओके, ट्रेड पेबल का ये रेफर नोट, सपोज करिए नोट 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने ट्रेड पेबल ड्यू टू MSME, मतलब यहाँ पे ऑल द जीरो फिगर आएगा बट आपको लिखना पड़ेगा। फिर अदर पेबल, अदर पेबल में आपका ये 89895 आएगा जो आपका 880 और 15। कहने का मतलब है कि MSME को आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसको अलग से। अब ट्रेड पेबल कितना आपका 880 और 790 है। अक्रूड इंटरेस्ट दैट विल ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बिजनेस, सो दैट विल कम इन ट्रेड पेबल, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, करेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म, देखो करेंट पोर्शन जैसे मैंने बोला इसमें से एक पार्ट निकाल के यहाँ पे डाल दिए, 500 यहाँ निकाल, 3885 था तो उसको घटा के 500 यहाँ से यहाँ रख दी, बिकॉज फर्स्ट जैन को ये ड्यू हो जाता, तो दिस विल बी योर करेंट लायबिलिटी नॉट नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट पे जो इंटरेस्ट इस बार अक्रूड हुआ है जो हमें पे करना है उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो उसको हमें डालना पड़ेगा करेंट लायबिलिटी में, बिकॉज इट ड्यू इन लेस देन 12 मंथ है। फिर आता है इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, प्रोविजंस, वारंटी प्रोविजन जो आपको 12 महीने वारंटी देते हो ना, भी 12 महीने में कुछ खराब हो तो ले लेना, तो उसका तो प्रोविजन हमेशा करंट में ही जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पे डालती है। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35 रुपये और 25 रुपये का एक और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उसको आप डालिए प्रोविजन फॉर अक्रूड लीव, अक्रूड लीव जो लीव ड्यू है जिसमें आपको वो आपका उसका खर्चा हो सकता है 35 और 25 रुपये, करोड़ सॉरी रुपीज नहीं करोड़। अदर करेंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल जो कि 150 और 230, डिविडेंड पेड रहता है तो दिस विल नॉट कम हियर, अगर डिविडेंड पेड है तो इट विल गो टू द अदर
इक्विटी, बट यहाँ पे डिविडेंड पेएबल है, तो इट विल कम हियर एज अदर करेंट लायबिलिटी बिकॉज और कहीं पे वो फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, 150 और 230, परफेक्ट। ये बिजनेस से रिलेटेड रहता है तो कहाँ जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं तो डिविडेंड पेएबल अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि हर आइटम हमने कहाँ कहाँ डाला है, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर यहाँ से मिलेगी, और वो मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई साहब ये कहाँ जाएगा, सीसी, पेन चेंज करना पड़ेगा मेरे को, सीसी में जाएगा, कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी सीसी में जाएगा, एसेट में जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये कहाँ जाएगा, अदर इक्विटी में जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाई ए लिमिटेड ये भी कहाँ जाएगा, अदर इक्विटी में, अकाउंट्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, ये फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट मतलब करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, इन्वेंट्री एट कॉस्ट करंट एसेट में जाएगा, इन्वेंट्री ये भी करंट एसेट में जाएगा, समझ रहे हो। मैं मतलब पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे कि कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में जाएगा ये। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नो डाउट नॉन करंट एसेट में ही जाएगा। फिर आगे बढ़ते अपने लाइबिलिटीज को भी एक एक करके डिटेल में देखते हैं, मतलब बता देते हैं। लॉन्ग टर्म डेट, अब इसमें से जो 500 वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा और बाकी जो यहाँ पे बचेगा उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में डालेंगे, क्योंकि ये उसी साल ड्यू हो जा रहा है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ये भी कहाँ जाएगा, 12 महीने से कम है तो ये करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ही जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग ये जाएगा अदर इक्विटी में। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी जाएगा अदर इक्विटी में। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अदर इक्विटी में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये नॉन करंट एसेट में, आपका पीपीई में वहां से रिड्यूस हो जाएगा। प्रोविजन करंट एसेट में यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड पेएबल कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। अक्रूड एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज। वारंटी प्रोविजन प्रोविजन में जाएगा, वो भी ये करंट लायबिलिटी में, फिर प्रोविजन में जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन ये क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन में जाएगा। प्रोविजन ये किस में जाएगा, ये करंट लायबिलिटी में प्रोविजन में जाएगा। डिविडेंड पेएबल ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। क्लियर है कौन कहाँ पे जाएगा एकदम डिटेल में, ठीक है। फिर ये रहा आपका पूरा इंडेक्स का पूरा क्वेश्चंस और उसके इलस्ट्रेशन प्लस टेस्टर नॉलेज। आपका नॉलेज भी टेस्ट हो गया, आपके सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी हो गए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसी तरीके से हम भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पूरी मेहनत करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर जाइए, बताइए कैसा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड अवेल, ओके, आई कैन एंड अवेल एंड वी विल डेफिनेटली। चलिए मिलते हैं आपसे, शुक्रिया।